नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, क्या आपके जीवन में भी प्रवेश कर गई है कोई सौतन? मेरी बहनों, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, आपको भी नहीं घबराना, क्योंकि शब्द तो मैंने सौतन इस्तेमाल किया है, लेकिन यदि आपकी पत्नी की ज़िंदगी में भी कोई अन्य पर पुरुष आ जाता है और आप परेशान हैं इसकी वजह से, आप उसको दूर करना चाहते हैं, तो आप भी करें मेरे भाइयों यह प्रयोग, एक छोटा सा प्रयोग। पति को बताने की भी ज़रूरत नहीं है मेरी बहनों, ना रोना है, ना आंसू बहाना है और ना कहीं किसी के पास जाना है, कोई पैसे खर्च करने हैं, किसी ओझा किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़े। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, हर चीज़ का उपाय है, हर चीज़ का इलाज है, और वह भी निःशुल्क मुफ्त। घर बैठे एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। सौतन जो छा गई है आपके पति के मस्तिष्क पर, अब आप रास नहीं आ रही उसे, घर रास नहीं आ रहा, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, आपकी बातें अच्छी नहीं लगती। जो बच्चों के बिना एक मिनट नहीं रह सकता था आपका पति, अब वो बच्चों का शोर भी उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि दिमाग में हर वक्त वह सौतन ने डेरा डाल लिया है। यदि आप भी परेशान हैं, आपका दाम्पत्य जीवन भी बस यही कारण से बिगड़ रहा है कि सौतन हट ही नहीं रही आपके और आपके पति के बीच से, तब मेरी बहनों करें एक छोटा सा प्रयोग। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, इसे पति को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बाहर से बहुत सारा सामान लाने की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसी क्रिया नहीं है इसमें जिसे करने से लोग आपसे पूछे कि ये क्या कर रही हो। बड़ा सरल सा उपाय है जो घर बैठे बिना किसी को बताए आप करेंगी, और 30 दिनों के अंदर आपका पति सौतन को खुद छोड़ देगा, और वो ना छोड़ा तो सौतन खुद भाग जाएगी आपके पति के जीवन से। 100 नहीं 1000% गारंटी है। सौतन से मुक्ति पाने का यह एक ऐसा अद्भुत, सरल और सफल प्रयोग है, जिसने भी किया है उसे मिली है अपार सफलता। चलिए सीधे प्रयोग पर आती हूँ, किस दिन करना है, कैसे करना है, क्या करें कि मिले मुझे सौतन से छुटकारा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, मेरी बहनों, यह प्रयोग आप मंगलवार या शनिवार किन्हीं 2 दिनों के अंदर ही आप कर सकते हैं, और यह प्रयोग केवल और केवल एक बार ही करना है। प्रथम दिन से 30 दिनों के अंदर ही यह कार्य करता है, कभी कभी 6 घंटे में भी कार्य करता है। ज़्यादा प्रायोरिटी शनिवार को दीजिए, ना हो सके तब मंगल को। पीरियड्स के दिनों में बिल्कुल ना करें। हम छोटा सा भी प्रयोग करते हैं, कोई वशीकरण करते हैं, हमारे तार सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं। शुद्धता से करें, सफाई से करें, मन में बहुत सकारात्मक बातें रखें। किसी की पत्नी को दूर करने के लिए यह प्रयोग ना करें, सौतन को ही दूर करने के लिए यह प्रयोग करें, सकारात्मक भाव से करें। आपको लेना है राई, मतलब काला सरसों, 1 चम्मच राई लेनी है, 3 कपूर की टिकिया लेनी है और 1 मिट्टी का दिया लेना है। शनिवार के दिन 1 मिट्टी के दिए में 1 चम्मच राई डाल देंगे, उस पे 1 पे 1 चढ़ाकर 3 कपूर की टिकिया रख देंगे। जो बीच की टिकिया होगी, यानी प्रथम टिकिया कोरी रहेगी, बीच की टिकिया में सौतन का नाम लिखना है, और यदि आप को उस महिला का, उस और औरत का नाम नहीं मालूम है, तब आप उसमें सौतन लिख दें। अर्थात आपकी एक ही सौतन है तो सीधे कार्य करेगा, और नाम जानते हो तो सर्वप्रमुख नाम ही लिखें, और ऊपर से फिर 1 कपूर की टिकिया, अर्थात सबसे नीचे आपका पति है, फिर सौतन है और उसके ऊपर आप हैं। सौतन को आप बीच में रखें, दोनों तरफ से आप और आपका पति, जैसे सौतन बीच में आ गई है आपके और आपके पति के जीवन में, उसी प्रकार सौतन वाली टिकिया जिसमें आपने नाम लिखा हो उसे आप बीच में रखें। हाथों में पकड़े, किसी भी चौराहे पर जाएं, सुनसान हो, भीड़ हो, गाड़ियां चल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी चौराहे पर चले जाएं जहां से 4 सड़कें जाती हो। हमें सौतन को दूर करना है, अपने घर के मार्ग से विमुख करना है। ठीक चौराहे पर दिया को रखकर आप कपूर में आग लगा दें, राई वाले कपूर में आग लगा दें, थोड़ी देर थोड़ा सा दूर हटकर खड़े रह जाएं और देखते रहें उसे, और कहें अपने मुंह से, सौतन तुझसे मुझे छुटकारा चाहिए, तू अपनी राह जा, तू अपनी राह जा, तू अपने रास्ते जा। 3 बार आप सौतन को यह कहेंगे, तू अपने रास्ते जा,
जैसे ही दिए में वह कपूर और राई जलकर बुझ जाए, खत्म हो जाए, आप चप्पल जूता जो भी पहने हो पहन कर जाएं और पाँव से इसे घिस के ख़त्म कर दें। उसके बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। मेरी बहनों, इस बात को यहीं भूल जाएं, किसी से चर्चा ना करें। प्रथम दिन से 30 दिनों के अंदर आपका पति खुद उस औरत से विमुख होने लगेगा। आपकी जीवन में आई सौतन खुद दूर चली जाएगी। अवश्य करें यह अद्भुत टोटका, अद्भुत उपाय, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।